हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कॉइल है ये है हाई स्पीड फैन का कॉइल है, 36 इंच का कॉइल। और नीचे जो पार्ट्स पड़े हुए हैं उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, उसका जो काम है, उसका जो वर्किंग जो प्रोसेस है उसको, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को सब पूरा देखना फ्रेंड, और एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छा लगे तो। तो ये है फ़ैन का जो पार्ट्स है, हाई स्पीड फ़ैन का 36 इंच का जो फ़ैन होता है उसका जो बॉडी चॉकलेट चॉकलेट कलर में आया है। और ये है जो कैपेसिटर में लगता है, कैपेसिटर इसमें लगता है कनेक्टर। और ये है कैपेसिटर है जो 2.50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। और यहाँ पर जो देख रहे हो क्लैम्प जो सीलिंग से लगता है डाउन रॉड के साथ फैन में अटैच होता है। और ये है डाउन रॉड, आप लोग देख सकते हो। तो इस डाउन रॉड को बहुत ही मजबूत होता है। ये है बियरिंग, इस बियरिंग फैन फैन के बॉडी में लगता है। और ये जो पार्ट्स देख रहे हो ऊपर के साइड में लगता है फैन का बॉडी में, ये है कास्टिंग आयरन का बॉडी। ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। तो उसके बाद जो दिखाना चाहते हैं फ्रेंड, देखो ये है क्नाफी। ये क्नाफी जो है डाउन रॉड में लगता है, ये दो लगते हैं डाउन रॉड में। और देखो फ्रेंड यहाँ पर जो रिंग टाइप जो चीज़ है इसको रोटर कहते हैं, ये कॉइल के जो साइड में लगते हैं और ये बहुत मजबूत है, देखो फ्रेंड। और फ्रेंड इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो सभी नया माल है। आप देखो, आप दिखाना चाहते हैं इसका जो स्क्रू लगता है मेन बॉडी में जो आपके सामने है, वो स्क्रू यहाँ पर लगता है यहाँ पर। और ये जो वॉशर है स्टार वॉशर, वो स्क्रू के साथ लगता है बॉडी में। और ये जो छोटे वाला नट है ये ब्लेड के साथ लगता है यहाँ पर लगेगा दो साइड। तो फ्रेंड देख सकते हो ऐसे ऐसे पार्ट्स मिला के एक फ़ैन तैयार होता है। तो हम अभी दिखाना चाहते हैं फ़ैन कैसे फिट किया जाता है, तो वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड देखो नया बॉडी में कैसे नया बियरिंग लगाते हैं। तो बियरिंग लगाने से पहले नीचे कपड़ा रखना चाहिए, नहीं तो बॉडी में डैमेज हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इसी तरह ये कपड़ा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा, और बियरिंग लगे धीरे धीरे से, नहीं तो बॉडी फट सकता है। तो इसी तरह धीरे धीरे से लगाना चाहिए बियरिंग। देखो फ्रेंड मैं कैसे लगा रहा हूँ धीरे धीरे से, ज़ोर ज़ोर से नहीं ठोकना नहीं तो बॉडी फट जाएगा। तो एक हो गया पर साइड, और दूसरा लेंगे जो नीचे लगता है। देखो फ्रेंड ये है नीचे वाला जो छोटा बियरिंग लगता है एक नंबर का। तो इसी तरह धीरे धीरे से ठोकना है नहीं तो बॉडी फट सकता है। देखो हो गया। तो देखो फ्रेंड बियरिंग तो लगाना हो गया है, तो इसमें अब कॉइल को फिट करना है। तो कॉइल फिट करने से पहले देखो नीचे एक पेपर लगे हुए हैं ताकि नीचे कोई डैमेज ना हो जाए। तो इसी तरह कॉइल को बिठाना है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से देखना है कोई जाम तो नहीं है। तो जो ऊपर का जो छोटा वाला जो शाफ्ट है उसमें एक स्प्रिंग देना है। पहले रोटर को डाल लेते हैं। तो
कॉइल में कोई डी डैमेज ना हो जाए। और उसके बाद ऊपर में ये देख रहे हो एक स्प्रिंग है, ऊपर में इसी तरह लगाना है आपको। लगा के उसमें ऊपर साइड जो बॉडी है, बॉडी का जो पार्ट्स है वो लगा दीजिए इसी तरह धीरे। तो ऐसे ऊपर नीचे देखकर लगाना है, नहीं तो कॉइल डैमेज हो सकता है और आपका काम भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह धीरे से उठाकर नीचे रखना है। और इसका जो स्क्रू है, तीनों जो स्क्रू है इसमें देकर टाइट करना है ताकि फैन अच्छे से बैठ सके। इसका जो स्क्रू है धीरे धीरे लगाना है। और पहले स्क्रू लगा के हम दिखाते हैं। तो पहले इसका जो वॉशर है, वॉशर के भीतर डालना है और स्क्रू इसके अंदर देकर टाइट करना है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख पा रहे हो। एक करके पहले लगाना है इस तरह, उसके बाद जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जरिए आप टाइट दे सकते हो। पहले हम स्क्रू लगा लेते हैं। तो वॉशर लगाना आप नहीं भूले ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। तो स्क्रू ड्राइवर ऐसे पकड़े और पकड़ के आप टाइट दें। धीरे धीरे से सब स्क्रू को एक एक बार टाइट करके पहले बिठाना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसी तरह टाइट करना है। बस हो गया टाइट। और एक है। तो फुल टाइट करना है फैन, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक टाइट करना होगा। देखो ये पूरा इजी हो गया। तो फैन का जो कनेक्शन है वो दिखाना है आप लोगों को फैन। तो पहले हम कनेक्टर को लगाते हैं, जो कैपेसिटर लगते हैं इसके अंदर इस तरह। पहले इसको टाइट करना होगा स्क्रू से, छोटा वाला जो स्क्रू लगता है इसमें। देखो ऐसे ऐसे टाइट करना है धीरे से। उसके बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है, जो 2.50 माइक्रोफैट का जो कैपेसिटर है, आप देख पा रहे हो कैमरे में। देखो फ्रेंड, ये जो 2.50 माइक्रोफैट का जो कैपेसिटर है वो लगाना है आपको इस फैन में, जो हाई स्पीड में लगता है, हाई स्पीड फैन में। अब देखो तो इसको लगाना है इस फैन में और कनेक्शन को आपको देखना है। जो वायर है फ्रेंड, ये है रेड, ब्लू और येलो। तो इसको पहले हम कनेक्शन करके दिखाएंगे। देखो फ्रेंड कैसे हम कनेक्शन कर रहे हैं। जो ब्लू वायर है कैपेसिटर के एक वायर के साथ और येलो वायर एक कैपेसिटर के दूसरे वायर के साथ, इसी तरह आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन के करने के बाद आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर लेकर इस कैपेसिटर कनेक्टर के बीच वाला जो सॉकेट होता है उसमें देना है। देखो फ्रेंड मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है, धीरे से लगाना है आपको। और रेड वाला जो वायर है, जो मेन वायर जो एसी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसको इस सॉकेट में देना है इस तरह। देना है आपको धीरे धीरे से। उसके बाद कैपेसिटर और वी वाला वायर जो है उसको नीचे वाला सॉकेट के नीचे देना है।
इस तरह देकर धीरे धीरे से टाइट करना है। बस ये हो गया। सॉरी फ्रेंड, निकल गया, ठीक से टाइट नहीं हो पाया। तो हम देंगे धीरे धीरे से टाइट। और बीच वाला जो वायर है ये थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो इसको ठीक करके देते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है पूरा कंप्लीट है, अब टेस्ट करना है। तो देखो फ्रेंड कैसे हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं फैन को कनेक्शन करके अब लाइन देंगे। देने के बाद देख सकते हो कितने स्पीड है हमारे फैन में, बहुत ही स्पीड से घूम रहा है और कोई साउंड भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसमें जो कॉइल लगते हैं हाई स्पीड का, 36 इंच का जो कॉइल है, बहुत ही स्पीड है इसमें।